चैट लीव मी आई एम रिकॉर्डिंग। टैक्स जो है वो मेरे झांगो के पीछे एक मस्सा है उसकी तरह है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा मन करता है कि यार इसे भूल जाओ, कुछ और प्लेजेंट चीज के बारे में सोचो। पर फिर भी साल में 2-3 बार तो मुझे उसके बारे में सोचना ही पड़ता है। बेसिकली पेइंग योर टैक्सेस इज लाइक फाइनेंशियल मस्सा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। व्हाई डू वी पे टैक्सेस, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी टैक्स्ड ऑन एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट योर ओन इनकम टैक्स। ऑल दिस एंड मोर ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ क्लूलेस, वेयर वी बिगिन क्लूलेस बट एंड अप रिच। और अब पैकेजिंग रोल होगा और जब पैकेजिंग रोल होगा तुम सब लोग लाइक मारोगे, ठीक है? 3, 2, 1 ठोको लाइक। Why do we pay taxes? ये बहुत सिंपल है। जिस तरह हमें हमारी जिंदगी मर मर के कटाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसी तरह सरकार को भी हाईवे, डैम, अस्पताल, एयरपोर्ट, करप्शन, ये सब चीजों को फंड करने के लिए पैसे लगते हैं। और तो और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मिनिस्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, आर्मी, इन सबको भी तो तनख्वाह देनी होती है। दीज पीपल मेक आवर सोसाइटी सेफ एंड फंक्शनल एंड दैट इज व्हाई टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट। और सरकार हमसे टैक्स इसलिए लेती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। डज द गवर्नमेंट नीड टैक्सेस? अब आप बताओ, अगर वो सिटीजन से टैक्स यानी कि पैसा नहीं लेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अब अगर गवर्नमेंट के खर्चे उनके इनकम से कम है तो उनको डेट तो लेना पड़ेगा ना। अब आप लोन तो ले सकते हो पर उसे चुकता भी तो करना होता है ना। इफ यू जस्ट कीप अक्यूमुलेटिंग डेट, इवेंचुअली सरकार बैंकक्रप्ट होगी कि नहीं? और अगर सरकार उतनी बैंकक्रप्ट होगी तो हमें अपना कंट्री का नाम चेंज करके ग्रीस रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ जोक, दिस एक्चुअली हैपेंड इन ग्रीस। जस्ट गूगल ग्रीट गवर्नमेंट डेट क्राइसिस और आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंट्री की क्या हालत हो गई जस्ट बिकॉज दे टुक सो मच डेट एंड दे वॉन्ट एबल टू पे इट बैक इन टाइम। बैंक्स बंद होते, सरकार गिर जाती है, सिटीजन्स पे इतना टैक्स लगता है, मिलियंस ऑफ वेल एडुकेटेड ग्रीक्स लेफ्ट द कंट्री। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतना लोन लिया है चुकता करना है तो पैसे और प्रिंट करो ना। प्रिंटिंग मशीन तो है सरकार के पास। वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर। अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो हमारे पास जो पैसा है उसकी वैल्यू गिर जाएगी बिकॉज मोर ऑफ इट इज अवेलेबल फ्रीली इन द मार्केट एंड दैट इवेंचुअली कुड लीड टू इन्फ्लेशन, याडा याडा याडा। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ पर तुम ब्रॉड आइडिया समझ गए। बेसिकली आप जो टैक्स भरते हो, थिंक ऑफ इट लाइक अ जिंदगी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप। और हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन से हमारी जिंदगी की सब्सक्रिप्शन कंपेयर नहीं कर सकते। वहां की प्रोग्रामिंग सही है, हमारी जिंदगी तो है टट। नाउ देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग वेदर टैक्सेस आर राइट और रॉन्ग। अगर आप टैक्स नहीं भरोगे आप जेल जाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो फालतू में सैड होने की जरूरत नहीं है और चलिए समझते हैं कि आप लीगली कम टैक्स कैसे भर सकते हो। लीगली लीगली ना, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस बट टुडे वी विल फोकस ऑन इनकम टैक्स, क्योंकि पिछला साल अभी खत्म हुआ तो आपको कितना इनकम टैक्स भरना है आपको फिगर आउट करना है। अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस लाइक जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अलग वीडियो में करते हैं। सो इनकम टैक्स, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, एनी इंडिविजुअल्स इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सारे सेगमेंट्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब आपकी सैलरी यार। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर कोई रेंटल इनकम है। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस इज एनी प्रॉफिट्स दैट आर इंडिविजुअल बुक्स इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द बिजनेस। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स यानी कि अगर आप कोई स्टॉक, स्मॉल केसेस या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो उन पे जो रिटर्न्स आपके मिलते हैं, जो प्रॉफिट आपका बनता है, दीज आर कॉल्ड कैपिटल गेन्स। दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी इन सब में जो नहीं गिरता वो अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल FD पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स कंसिडर्ड एज अदर सोर्सेज। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मैकेनिज्म। बेसिकली जितना ज्यादा आप पैसा कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई एक मैजिकल परसेंटेज सबके ऊपर लेवी नहीं होता एंड वी डोंट हैव वन इंडिविजुअल टैक्स परसेंटेज ऑन द एंटायर इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज यू मेक मोर मनी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर। हमारे टैक्स लैब्स काफी सिंपल है। अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख है तो 0% टैक्स, 2 से 5 लाख है तो 5% टैक्स, 5 से 10 लाख है तो 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स। नाउ दिस टैक्स लैब इज फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम पे हम आते हैं वीडियो के एंड में। एंड वन मोर थिंग, इफ योर इनकम इज बिटवीन 50 lakhs to 1 crore यू हैव टू पे अ 10% सरचार्ज ओवर एंड अबव द रेगुलर टैक्स एंड 15% इफ इट्स बिटवीन 1 crore and 2 crores। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। नाउ सपोज आपकी तनख्वाह 11 लाख रुपया पर एनम है। 11 लाख तो 10 लाख से ऊपर है यानी कि 30% स्लैब लगेगा। 30% ऑफ 11 लाख यानी कि 3.3 लाख होगा। आपको 3.3 लाख नहीं देना है
ऐसे टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। यू हैव टू पे अ डिफरेंट टैक्स रेट फॉर डिफरेंट अमाउंट्स। यानी कि 0 से 2.5 लाख तक 0% लगता है, 2.5 से 5 लाख पे 5% लगता है, यानी कि 12,500, 5 to 10 लाख पे लगता है 20%, यानी कि 1 लाख रुपया, 10 से 11 लाख पे लगता है 30%, यानी कि 30,000, यानी कि आपको 3.3 लाख नहीं 1.42 लाख देना है। और इसके ऊपर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, यानी कि 1.48 लाख रुपीस देना है। सो देयर यू गो, नाउ यू नो हाउ टू फिगर आउट योर इनकम टैक्स। ओके, नाउ दैट वी नो दैट, लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट समवन्स इनकम टैक्स। अपना टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो, फॉर एग्जांपल 18 लाख, 10 लाख के ऊपर 30% लगता है, तो 18 लाख के ऊपर 30% लगाओ, यानी कि 6 लाख रुपए आपको देने का है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, देन वेलकम टू क्लूलेस क्लब। ये एकदम गलत है बिकॉज ऑफ 3 things: deductions, exemptions and rebates. आपकी सारी इनकम जोड़ने के बाद जो टोटल इनकम आता है, that's not always your taxable income. Over the years, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में इतने सारे क्लॉजेस ऐड किए जिनको यूज करके आप अपनी टैक्स कम कर सकते हो। पहला तरीका exemptions, यानी आपकी सैलरी के वो हिस्से जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि HRA, फोन बिल, ट्रेवल अलाउंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 2 तरीका डिडक्शंस, यानी कि अगर आपने सेव, इन्वेस्ट या खर्चे किए हैं कुछ आइटम्स पे जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे गए हैं, तो उस पे आपको कम या टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 80C, अगर आपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ELSS फंड, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम जैसे कि सुकन्या समृद्धि, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना है। Which means you can invest up to 1.5 lakh rupees in these instruments and that will be tax-free. 80C के सिवाय और भी तरीका है जिसपे आप deductions claim कर सकते हो, जैसे कि home loan, education loan, medical insurance, etc., etc., etc. Number 3 तरीका tax rebates. Rebate माने अगर आपके tax liability से जो आपको tax भरना है उससे ज्यादा आपने भर दिए, तो वो पैसे आपको वापस मिलते हैं। इंडिया में सबसे पॉपुलर टैक्स रिबेट्स में से एक है सेक्शन 87A। इसके हिसाब से अगर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बाद आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको सीधा 12,500 रुपए रिबेट मिल जाएगा। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करोगे, उसमें वेरीफाई करेंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो 12,500 रुपीज आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा। सो योर टैक्सेबल इनकम इज योर टोटल इनकम माइनस टैक्स डिडक्शंस, माइनस टैक्स एग्जेम्पशंस, माइनस टैक्स रिबेट्स। अभी जो एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और रिबेट्स है, ये पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से है। नई टैक्स रिजीम में ये सब नहीं है। तो हम पहले पुरानी टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं। नाउ अमन एक डिजिटल मार्केटर है, पुणे में एक स्टार्टअप के साथ काम करता है। उसकी सैलरी है 6.6 लाख पर एनम। अमन के ऑफिस उसे हर साल 60,000 रुपीस देती है एज HRA, हाउसिंग रेंट अलाउंस। सेकेंडली ही कैन क्लेम अ टैक्स डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीस व्हिच इज अवेलेबल फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजीम। उसके बाद अमन ने लिया मेडिकल इंश्योरेंस 6 लाख रुपए का कवर, जिसके लिए वो साल का 8,000 रुपए भरता है। अंडर सेक्शन 80D दिस स्पेंडिंग इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल। इन डिडक्शन के बाद अमन का नेट इनकम बनता है 5.42 लाख। दिस इज बिफोर ही मेक्स एनी इन्वेस्टमेंट्स। तो अब अमन डालता है 43,000 रुपीस इन एन ELSS फंड। दिस ब्रिंग्स डाउन हिज नेट टैक्सेबल इनकम टू 4.99 लाख। उसका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंडर है, यानी कि नाउ ही इज एलिजिबल फॉर अ टैक्स रिबेट ऑफ 12,500 रुपीस, व्हिच मींस टोटल अमन को टैक्स भरने हैं 0 रुपीस। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। अगर ये नहीं होते तो अमन वुड हैव हैड टू पे 44,500 रुपीस इन टैक्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शिखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक MNC में। उसकी ग्रोस सैलरी है 13 लाख रुपए साल के, लेकिन HRA एग्जेम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसकी नेट सैलरी हो जाती है 11.4 लाख। शिखा ने ELSS फंड और EPF में कुल मिला के डाले हैं 1.5 लाख रुपए और उसको अपने बैंक से उनके सेविंग्स अकाउंट के लिए 12,000 रुपए इंटरेस्ट मिले हैं। और शिखा ने अपने रिटायरमेंट के लिए 50,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट किए, विच इज टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80CCD 1B। और शिखा अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए साल के 11,000 रुपए प्रीमियम भरती है। इन सब एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बाद शिखा का नेट टैक्सेबल इनकम बनता है 9.4 लाख, जिस पे शिखा को टैक्स भरना पड़ेगा 1.1 लाख प्लस सेस। लेकिन अगर ये डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं होते तो शिखा को जस्ट ओवर 2 लाख रुपीज पे करना पड़ता एज टैक्स। सो देयर यू हैव इट, इतना भी मुश्किल नहीं है अपना टैक्स कैलकुलेट करना, करेक्ट? नाउ इंडिया में 2 टैक्स रिजीम है। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पुराने टैक्स रिजीम की बात हो रही थी। नाउ जनता चाहती थी कि नए टैक्स रिजीम में लोअर टैक्स रेट्स रहे, ऑब्वियसली हमको तो नहीं देना है टैक्स ज्यादा। एंड द गवर्नमेंट एक्चुअली डिड दैट, द न्यू टैक्स रिजीम हैड लोअर टैक्स रेट्स। हाउएवर
इन द न्यू टैक्स रिजीम यू कांट क्लेम डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस. तो सेक्शन 80C, मेडिकल इंश्योरेंस, HRA, LTA, ये सब यू कांट क्लेम एज डिडक्शंस नाउ इफ यू ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रिजीम. इस चार्ट में आप फर्क देख सकते हो इन द टैक्स स्लैब्स बिटवीन द ओल्ड टैक्स रिजीम एंड द न्यू टैक्स रिजीम. नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग अप टू 2 लाख रुपीज है 0%, 2 से 5 लाख है 5%, 5 से 7.5 लाख है 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक है 15%. बट द गुड न्यूज इज कि आप चुन सकते हो किस टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स भरना है. इनमें से कौन सा बेटर है ये जवाब तो मेरे पास नहीं है. आपको आपकी डिडक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आपके जॉब पे आपको क्या क्या एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं वो देखना पड़ेगा. नाउ वंस यू कैलकुलेट दीज यू कैन कंपेयर व्हाट टैक्स यू हैव टू पे अंडर द ओल्ड रिजीम और द न्यू रिजीम एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ और आस्क योर CA. अगर आपको कंपेयर करना है कि किस टैक्स रिजीम में आपका ज्यादा टैक्स बच रहा है, यू कैन यूज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स कैलकुलेटर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू देम ऑनलाइन. देर आर मेनी मेनी सर्विसेज दैट हैव मेड पेइंग योर टैक्सेस वेरी इजी. आई एम जस्ट गोना लिंक अ बंच ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू चेक देम आउट. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉन ऑफ देम आर पेइंग मी, आई जस्ट थॉट दे माइट बी यूजफुल टू यू. ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अनदर एपिसोड. अगर आपने थोड़ा कुछ भी सीखा है आज के एपिसोड में तो प्लीज एक लाइक छोड़ दो. जब आप लाइक ठोकते हो तो ये वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड होता है और वो भी कुछ नया सीखते हैं. सो डू योर बेस्ट फॉर सोसाइटी. और अगर बहुत ही पसंद आया तो प्लीज एक कमेंट भी छोड़ दो, उससे भी एल्गोरिथम को अच्छा लगता है. मेक श्योर यू फॉलो क्लूलेस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे हम फाइनेंस की दुनिया के बारे में मीम्स वगैरह डालते हैं, तो आपको न्यूज मिल जाएगा वो भी एक फन तरीके में. एंड वी आर ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, जहां पे फाइनेंस की दुनिया के न्यूज जो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे वो हम वहां पे पोस्ट करते हैं. ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप बीइंग क्लूलेस.